आज हमारे साथ पीसीआई कन्वर्सेशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आपको याद होगा कहते हैं बुकर प्राइज विनर गीतांजलि श्री से कन्वर्सेशन हो चुकी है, अक्षय मुकुल से हो चुकी है और भी एक दो ऑथर्स को बुलाया और हमारी कोशिश ये रहती है कि किस तरह के एरियाज इस तरह के क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स और जाने माने लोगों को बुलाया जाए जिससे कि हम लोगों की नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो और थोड़ा खबरों की दुनिया से अलग हटकर भी थोड़ा ज्ञान अर्जित किया जाए। तो टुडे वी हैव विद अस चंडी प्रसाद भट्ट जी हु हैज ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कोटेश्वर उत्तराखंड टू बी विद अस एंड एज यू ऑल नो चंडी प्रसाद भट्ट जी 8 दशक की अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं कि एनवायरमेंट के लिए पर्यावरण के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। तो अपने आप में ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है कि ना केवल चिपको मूवमेंट के कर्णधार रहे हैं चंडी प्रसाद जी और शुरू से जो हिमालयन इकोलॉजी है और एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा वो एक्टिव रहे हैं। और चंडी प्रसाद भट्ट जी एक गांधीयन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जिन्होंने दशोरी ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी गोपेश्वर में 1964 में और जो बाद में मदर ऑर्गेनाइजेशन बना चिपको मूवमेंट का, सुंदरलाल बाबूनाथ जी का नाम हम सभी जानते हैं, वैसे ही चंडी प्रसाद भट्ट जी उतने ही रेस्पेक्टेड और उतने ही पायनियरिंग वर्क चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी रहा है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1982 में मिला हमें, जो पद्म भूषण उसके बाद आया 2005 में और आज वो सबॉर्डन सोशल इकोलॉजी में भारत के फर्स्ट मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। 2013 में गांधी पीस प्राइज भट्ट साहब को मिल चुका है और शुरू से जो हिमालय की गोद में जो कहा जाए उनका बचपन बीता और उन्होंने पूरी अपनी गढ़वाल मंडल में नौकरी करने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर लग गए। तो ये एक ऐसी लाइफ हिस्ट्री रही है, लाइफ स्केच चंडी प्रसाद जी का हम सबके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी मैं चाहूँगा जिस तरह से वो हमारे उमाकांत लखेरा जी भी उसी रीजन से आते हैं तो आज ये बहुत बेफिटिंग है कि आज की कन्वर्सेशन हमारे अध्यक्ष जी खुद करेंगे उमाकांत लखेरा जी और हम लोग ये भी चाहेंगे कि चंडी प्रसाद जी के साथ जब सवाल जवाब करें लखेरा जी बातचीत करें तो केदारनाथ में जैसे जो त्रासदी हुई थी इतनी बड़ी वो क्या थी और अभी जो हम क्लाइमेट चेंज नए नए आयामों में जो हम देख रहे हैं विश्व के बहुत सारे हिस्सों में और हिमालयन रेंज कही जाती है कि बहुत यंग माउंटेन रेंज है तो वहाँ का क्या भविष्य है और उत्तराखंड को भी कहा जाता है एक सिस्मोलॉजिकल डिजास्टर के ऊपर उत्तराखंड बैठा हुआ है, कभी भी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक कुमाऊं या गढ़वाल में आ सकता है और जिसमें सेटेलाइट इमेजरी वगैरह भी जितनी हम जो देखने को मिलती है या उस बारे में जो डिस्कशन या राइटअप्स जो देखे जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी लाइफ पृथ्वी के ऊपर से खत्म हो चुकी है। तो सेव द अर्थ भी एक बहुत बड़ी मुहिम है और सी में कहते हैं कि 68% लाइफ समुद्र के अंदर, कोरल रीफ खत्म हो चुके हैं, अमेजोन के फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ हमारे देश में फॉरेस्ट कवर का क्या हिस्सा है, चिपको मूवमेंट के बाद अभी की जनरेशन कितना इससे इसमें हिस्सा ले सकती है, तो ये सब बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चाहेंगे कि हम चंडी प्रसाद भट्ट साहब का उसमें व्याख्यान सुने, उनसे बातचीत लखेरा जी का। तो हम जब फॉर्मल ये प्रोग्राम शुरू करें तो मैं गुजारिश करूंगा साहब से कि वहाँ आएं, डाइस पर आए और लखेरा जी को लेकर।
आपका फॉर्मली वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारी क्लाइंट सेक्रेटरी स्वाति माथुर से कि उनको एक बुके देकर उनका स्वागत करें। बातचीत में कोई और व्यवधान पड़े तो एक हमारे तरफ से प्रेस क्लब की तरफ से एक मोमेंटो है जो भट्ट साहब को हमारी याद दिलाता रहेगा। मैं हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य अनीश यंग जर्नलिस्ट हैं, एशिया नेट में काम करते हैं और भट्ट साहब के प्रेजेंटर हैं। और शिमिन हमारे एक और कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने काम करते हैं। मैं चाहूंगा वो लकड़ा जी को ये दें और जिसे लकड़ा जी प्रेजेंट करें हमारा मोमेंटो प्रेस क्लब का, जो हम साहब को हमारे उनके यहाँ आने की याद दिलाता रहेगा हमेशा। और हम चाहेंगे कि वो फिर आए हमारे बीच में और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट जिस तरह से एक ज्वलंत मुद्दे बनने और चुनौतियाँ हैं उनका सामना हम सबको मिलकर करना है। अच्छे में आइए का बहुत आभारी हूं कि इतने उम्र में भी हम उनको भी इतने उम्र नहीं बताएंगे कि हम चाहेंगे 100 साल तक वो एक्टिव रहे। और मैंने एक अनुरोध किया था उनसे, एक आप मैंने पहले किया था कि आपको आना है और उन्होंने स्वीकार करने की मैं जुड़ रहा हूँ। फिर मैंने अपने सेक्रेटरी जनरल और अपने मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को बताया कि चंद्र प्रसाद जी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है, तो वो आए गोपेश्वर से। गोपेश्वर आना और जाना कोई इस अवस्था में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैंने गोपेश्वर से 30-40 किलोमीटर पहले हाईस्कूल किया हुआ है, तो मुझे पता है कितना कठिन है यहाँ पर वहाँ यात्रा करना। तो उन्होंने इतना दूर से वो प्रेस क्लब इंडिया के लिए आए, जबकि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी वो 10-12 साल से बना रहे। तो मैं उनका बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद अदा करने के लिए। और ये दूसरी बात, 2013 में भी जब केदारनाथ की त्रासदी हुई तो दिल्ली में हमने एक राष्ट्रीय डिजास्टर पर राष्ट्रीय चिंतन मनन किया था, उसमें भी उनका हाथ फ्रैक्चर था। उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड को लेकर के दिल्ली में चिंता कर रहे हैं तो मैं जरूर उस चिंता में शामिल होने लिया हूँ। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, रुड़की यूनिवर्सिटी के, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के वहाँ के प्रोफेसर रहे, और उस बातचीत को इतना महत्व और वो कंस्टिट्यूशन कलम में थी, बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि वो केदारनाथ त्रासदी के बाद जो हालात थे उस पर उनको वो आए वो बधाए। तो ये दूसरी बार मेरे आग्रह पर दिल्ली आए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया हूँ चंद्र प्रसाद जी का। और ये मैं मानता हूँ कि चंद्र प्रसाद जी को मैं 40 साल पहले मैंने देखा था 1976 में, और वही जो उनका जो एकाकी जीवन था, वो जो मिशन था, उस मिशन में वो उन्होंने वो छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में या हिमालय क्षेत्रों में लोगों ने काम शुरू किए उसके बाद छोड़ दी, इसलिए कहा कि भाई अब क्या करें, हम तो थक गए हैं और एक करके क्या करेंगे। इस तरह की जो एक विचार भी आता है बहुत सारे लोगों के मन में भी आता है कि ये क्या करना है इतना तक। लेकिन
मैं चंद्र प्रसाद जी की एक बात जो हो सकता है किसी ने उनके मन की बात किसी ने उनको नहीं बोली होगी कि वो ऐसे जीवंत वाले इंसान थे कि तमाम तरह की मुश्किलों पारिवारिक जिन संकटों से तमाम तरह की चीज़ों से आर्थिक संकट बचपन ये सब झेलते हुए वो इस मुकाम तक उन्होंने देश और दुनिया में भारत के जो पर्यावरण की जो चिंता है उसको उजागर किया चेतना की उस अलग को जगा रहे हैं और आज भी जरा इस उम्र में भी देश विदेश में वो अलग को जगा रहे हैं और इसीलिए जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया कि मैग्सेसे के लिए जो कम्युनिटी सर्विस है उनका कहना कि भाई आप प्रचार के बजाय आप मैं अपना प्रचार करूँ तो मैं ये काम कर रहा हूँ नहीं उस प्रचार के जरिए आप कम्युनिटी सर्विस और लोगों को साथ लेके आगे बढ़ो तो वो जो लीडरशिप उन्होंने वहाँ की कम्युनिटी की वहाँ के समाज की वहाँ की जो अनपढ़ महिलाएं थी जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए जो पेड़ों पर निपट गई और सबसे बड़ी बात इससे भी बड़ी बात कि वो गांधीवाद गांधीयन जो रास्ता था उनको उनको ये पक्का यकीन था उनका कि ये देश अगर इस देश में कुछ भी रचनात्मक काम आप करेंगे या करना चाहेंगे तो गांधीवाद का रास्ते के अलावा कोई रास्ता है नहीं तो गांधीवाद जो है उनके दिलो दिमाग में कूट कूट कर भरा है उसी पर वही जीवन पद्धति उनकी है और दसौली ग्राम स्वराज की जो संरचना है कि आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भरता तो उस आत्मनिर्भरता की तरफ पर भी उन्होंने बहुत चिंतन किया। एक तो ये होता है कि भाषण देना उन्होंने वो नहीं किया ग्राम दसौली ग्राम स्वराज एक लेबोरेटरी के रूप में एक आत्मनिर्भर गांव के रूप में कि एक ऐसा गांव एक ऐसी कम्युनिटी हम डेवलप करें विकसित करें जिसमें जिसमें ये दिखाएं दुनिया को कि ये हम आत्मनिर्भरता प्रकृति के साथ रिश्तों को सहज बनाते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं कैसे समाज की समस्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि चंद्र प्रसाद जी को कई बार ये ख्याल आया होगा लोगों ने भी कहा होगा कि अरे अब बहुत हो गया यार अब छोड़ो अब कुछ कारोबार करते हैं कुछ करते हैं लेकिन देखिए कि उन्होंने वो मिशन नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा जो मुझे जो इतने सालों से कि अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा ये सर्विस छोड़ दूंगा ये समाज की सेवा छोड़ दूंगा तो इस समाज की सेवा को कौन करेगा वो जो अगर मैं छोड़ दूंगा कौन करेगा तो इस मिशन पर उनका जीवन चला और मुझे बड़ी खुशी है कि वो जज्बा वो समर्पण वो दृढ़ता डिटर्मिनेशन फर्म डिटर्मिनेशन उनके व्यक्तित्व में कूट कूट करके आज के तारीख में भी भरा है। इससे जो हमारी जो ये जो चर्चा होगी इस चर्चा के दो तीन हिस्से हैं पहले मुझे पहले वो अपना एक अपने बारे में मैं इनसे निवेदन करूँगा कि एक छोटा सा एक आरंभिक एक वक्तव्य हम लोगों को इन्लाइटन करें उसके बाद एक छोटी सी 10-15 मिनट की एक वो दिखाएंगे कि जो हालात क्या हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा रूबरू हो जाए कि जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग ये जानते नहीं हैं उससे रूबरू हो जाए। बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं जो उनको पता ही नहीं कि इस पूरा सब्जेक्ट क्या है तो मुझे एक बार फिर चंद्र प्रसाद जी का स्वागत करते हुए मैं उनको ये माइक सौंप रहा हूँ ताकि वो अपने बारे में संक्षिप्त कुछ आरंभिक वक्तव्य दें। धन्यवाद बहुत धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत लखेड़ा जी महासचिव माननीय विनय कुमार जी विद्वजनों बहनों और भाइयों पत्रकार बंधु लखेड़ा जी का आदेश था और यहाँ उपस्थित हूँ और इस समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए चर्चा में सम्मिलित करने के लिए मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया इसके लिए मैं प्रेस क्लब से जुड़े हुए महानुभावों का और मुख्य रूप से उसके अध्यक्ष और महासचिव जी का हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु
परिवर्तन का प्रभाव और पर्यावरणीय चिंताएं या चुनौतियां के संदर्भ में तो बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे आपके मंच में अलग अलग विषयों के विषय विशेषज्ञ इत्यादि सम्मिलित होते हैं, मैं विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अकादमी स्वयं और जैसे ये विषय दिया है विषय विशेषज्ञ भी नहीं। मैं तो सामाजिक हित चिंतन के लिए ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों से बचाने वाला और उनके से सीख जो कुछ भी मैंने सीखा उसी पर बातचीत करना चाहता हूँ। उत्तराखंड का चमोली जनपद जिसके अंतर्गत बद्रीनाथ धाम भी आता है, उसी का जो मुख्यालय है पहले एक छोटा सा गांव था गोपेश्वर, वहाँ पर हम लोगों ने जयप्रकाश जी 1956 में क्षेत्र में यात्रा में आए थे और जैसे आपने कहा कि दसौली ग्राम स्वराज जैसे उस समय 3 दिन तक वो गोपेश्वर में रहे, उनके साथ जयप्रकाश जी के अलावा UN देवा और जितने भी रचनात्मक LM श्रीकांत इत्यादि खादी ग्राम थे उसके देवा साहब अध्यक्ष इत्यादि पूरे देश के लोग वहाँ पर देवेंद्र कुमार गुप्ता इत्यादि ये सब लोग आए। और उससे पहले चाइना का हिमालय के पार से चाइना का कुल हो रहा था और इनोवा ने जयप्रकाश जी ने कहा चाइना का जो आक्रमण है वो बंदूक का मुकाबला तो बंदूक करे लेकिन जो दूसरी रक्षा पंक्ति है मतलब सेकेंड लाइन ऑफ लोगों की उनको भी उन्होंने कहा कि उसके पास तो विचार भी है, वो सीमा के लोग जो है वो सेकेंड लाइन वो गरीब उनके और लड़चाई दृश्य देखे इसलिए उनके उसके लिए कैसे उनकी समृद्धि आए इससे वो उस विचार से चाइना के विचार से प्रभावित हो, क्योंकि बंदूक का मुकाबला तो हमारी सेना करे लेकिन जो दूसरा मुकाबला है वो सेकेंड लाइन। इन विचारों ने हमको प्रेरित किया और हम लोगों ने हमारी जैसे और छोटी नौकरी थी नौकरी छोटी है हम क्योंकि पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता पूरे हिमालय क्षेत्र में उन्हें नॉर्थ ईस्ट से क्योंकि उस समय तक और थी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश जो नेपाल उस समय कहा जाता था, तो इस तरह से हम लोग प्रभावित रहे। हमने रचनात्मक कार्यों प्रारंभ में तो देवर का काम सम्मानजनक रोजगार का अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल जो रचनात्मक कार्य की सोचता है उसके माध्यम से कार्य शुरू। हमने गांव गांव में घूमे भूदान ग्राम दान के माध्यम से हमको जमीन का दान तो लोगों ने दस्तखत तो भी किए भूदान में लेकिन उसका वितरण हम कर नहीं पाए और पहाड़ों में उसका ज़्यादा अंतर भी नहीं था, जैसे मैदानों में किसी के पास 10 हेक्टेयर होगी किसी के पास 100 हेक्टेयर थी, हमारे यहाँ तो 1 हेक्टेयर का भी और प्रभाग जो बड़े से बड़े लोग हैं बहुत कम प्रतिशत 5% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर के करीब जमीन होगी, 85% के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर का 5% 10% जमीन है। हम जमीन के बारे में कुछ तो कर नहीं पाए लेकिन जो अंतर संबंध है लोगों के मतलब जंगलों के बारे में हमें समझ मिली और इस प्रकार 1947 में अनकिंदा में प्रलयकारी बाढ़ आई, जैसे आपने 2013 में सुना होगा बाढ़ के बारे में तो हमने 1947 में अनकिंदा में बाढ़ आई तो बद्रीनाथ से आने वाली 25% बेरा कुटी में मौ गई, इसी प्रकार 16 मोटर पुल वो पैदल पुल 6 मोटर पुल और जो गंगा नहर है हरिद्वार में वहाँ से पथरी तक पूरी गंगा नहर सिल्ट से भर गई। हम इलाके में गए जैसे आज कहीं पर कोई भी इलाका होता तो पूरे देश की एजेंसियाँ और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ भी बचाव में राहत में और विस्थापन के लिए पहुँच जाती, उस समय ये सब कुछ नहीं था
और हम जगह जगह गए, हमारी संस्था ने 10 पूरी अनाज आटा और चावल दिया, हम अपने पीठ पर लेकर के वहाँ के कुछ पत्रकार बंधुओं और कुछ सामाजिक चेतना के लोगों को लेकर के गए और गांव गांव में गए तो वहाँ पता चला कि हमसे कई बार पहले तो बाहर नहीं आई, इसी बार क्यों आई, तो उन्होंने बताया कि इन नदियों के पनिधारों में माने जहाँ से नदियों में पानी आता है वहाँ पेड़ों का कटान हुआ और वो कटान के कारण बारिश हुई 20 जुलाई 1970 को पूरे पहाड़ जहाँ पेड़ कटे थे वो नीचे आने लगे और उसके कारण अलकनंदा में फैल गया और उसका प्रभाव गंगा नहर जो हरिद्वार से सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर को सिंचित करके वो नहर भी चौक हो गई थी, सिर्फ से भर गई थी। हमने ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए और उस समय डॉक्टर के एल राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनको कहा ये बाढ़ मानवकृत है या प्राकृतिक, इस प्रकार के सवाल उनके सामने रखे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने क्या अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और एक सकरानी जी थे भूगर्भ के, उन सब तो उसमें मेंबर थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी ये चुनाव में। लेकिन 1970 में बाढ़ आई और 72-73 के बाद उस इलाके में फिर से पेट करके लिया, हमने लोगों तक बताया कि 1970 से पहले तो ये गड़बड़ हुई, यदि फिर से गड़बड़ी पेड़ काटे जाएंगे तो ये इलाके और तो इस प्रकार फिर जब पेड़ काटने वाले जंगलात के लोग शासन के लोग वहाँ पहुँचे तो सामान्य गांव के लोगों ने सीधे सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए और जो शब्द था जैसे पेड़ को कैसे बचाए, आजकल लोग आंदोलन करते हैं तो कोई अच्छा शब्द ढूंढते हैं, लोगों ने कहा कि हम पेड़ों पर अंगा चढ़ा दें, उन्होंने न इंसाइक्लोपीडिया न डिक्शनरी न व्याकरण देखे, सिपो आंदोलन ने उन कार्यकर्ताओं ने जमीन के आदमी की बात की, उनकी समस्याओं को उनके समझ के मुताबिक कर। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के और न केवल पेड़ बचाने का बल्कि पेड़ लगाने का और अभी अभी तो जो अन्य कारक है वहाँ के पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए उसके लिए सतत कार्यशील है वहाँ के लोग और मुख्य रूप से महिलाएं और युवा। तो आज पूरे देश के अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से संतुष्ट है। हमारा हिमालय जो है वो एक तरफ से पर्यावरणीय बिगाड़ का दूसरा नाम, पिछले 50 वर्षों में हम देख रहे हैं कि दूसरा नाम भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, प्रति वर्ष बाढ़ से लाखों लोगों की तबाही हो रही है और इसके साथ साथ जो विकास परियोजनाएं चाहे वो विद्युत परियोजना हो, सिंचाई परियोजना हो, पानी की परियोजना हो, वो भी उससे प्रभावित हो रही है। एक तरह से हमारी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य का प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय, पहले तो हिमालय को समझने की आवश्यकता है, हिमालय किस प्रकार से, फिर हिमालय के बाद हिमालय के में क्या हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पर मत किया कि जो आप देखता कि 10-15 मिनट तक। तो ये पहले ये है कि जो हिमालय है इसको कहते हैं 2500 किलोमीटर वो लंबाई में फैला हुआ है और कहीं पर 250 किलोमीटर कहीं पर 400 किलोमीटर अलग अलग माने पूरब से लेकर के पश्चिम तक है और भारत नेपाल भूटान बांग्लादेश पाकिस्तान तक ये खुला हुआ है। इसका बेसिन भारत में ही 43% है, माने पूरे हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय और हिमालय से बांधने वाली जो नदियाँ, 3 नदियाँ मुख्य रूप से हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जिसके सतना आदि ब्यास इत्यादि अतियान उसकी हजारों साइकिलों नदियाँ, उनका पूरा बेसिन भारत में 43% है। और जो वाटर बजट है पूरे देश के लिए जो पानी मिलता है वो 63% पानी हिमालय से मिलता है, जिसमें गंगा को ही आप देख रहे हैं तो 26% गंगा का
बेसी इसमें नौ राज्य हैं, अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद अपना बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र है जो यमुना में जाता है, हिमाचल प्रदेश, और फिर आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गंगा का वो होता है। तो उसका 26% बेसिन है और 25% से भी अधिक वाटर बेसिन गंगा में। गंगा को जिन लोगों ने, हमारे पुरखों ने इतना महत्व दिया है, क्योंकि पूरे जो 41% आबादी है गंगा के उसमें, तो वो आबादी गंगा के जल से प्रभावित, समृद्धि का एक तरफ से सूचक है, हम भले पवित्र कहें। और सीधा सीधा एक बार आचार्य दादा धर्माधिकारी थे, उसके सर्वोदय के विद्वान, तो बनारस में मैं उनके साथ, वो हमेशा विश्वनाथ जी के दर्शन करने और गंगा वहाँ पर दशाश्वमेध में एक घाट पर जाते थे। तो बीच में हमने प्रश्न किया कि आप गंगा का इतना महत्व क्या है, उन्होंने सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में कहा, गंगा के साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई है, गंगा में गड़बड़ी होती है, तो आपका ये नौ प्रदेश सीधे सीधे वो ये यदि हिमालय को समझना है तो पहले हिमनद है और हिमनद के बाद हिमताला ग्लेशियर लेक जिनको कहते हैं, ग्लेशियर लेक के बाद बुग्याल और बुग्याल के बाद नदियाँ, फिर जंगल और फिर लोग, उनकी वास्तुकला, क्योंकि हिमालय को हमारा संस्कृति और मनीषा के केंद्र में रखते हैं। हिमालय का हमारे ऊपर भी बहुत दबदबा है, आज से ही नहीं, वहाँ का गीता में तो कृष्ण ने कहा कि स्थावरा नाम हिमालय, हमारे अर्जुन को संबोधन करते हुए, मैं स्थिर वस्तुओं में हिमालय में। और महाकवि कालिदास ने जब कि आज की ना हेलीकॉप्टर थे जो पूछा, कहा कि अस्तु तरह से हम जिस देवता को हिमालय होने उन्हें गाजा। लेकिन आज के संदर्भ में जो लोग कहते हैं कि हिमालय जो है सैलानियों का स्वर्ग है और जो जोखिम का खेल खेलने वालों के लिए, साहसिक खेल खेलने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है, कवियों के लिए कल्पना स्रोत है, विज्ञानियों के लिए शोध क्षेत्र है, और उसके बाद हम जाते हैं कि धार्मिक आस्थावानों के लिए स्वर्ग और के कुंड में जाने क्या क्या है। ये एक तरफ से जो आपके चार धाम ये नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड मानसरोवर कैलाश का रास्ता जैसे उमाऊ की तरफ से जाता है, तो इस प्रकार का एक वर्णन मिलता है, वो मिलता है। लेकिन दूसरी और भूगर्भ भी कहते हैं कि हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, और हमारे यहाँ एक शब्द है प्यांकू, प्यांकू कहते हैं प्राइमरी स्कूल में ऐसे विद्यार्थी को जो थोड़ा सा वो रोने लग जाता है, वही हिमालय की स्थिति है, क्योंकि वह पहाड़ है ऊपर उठ रहा है, भूकंप और उसके क्रैक इत्यादि उसके बारे में बता रहे हैं। एक तरफ से समझ लीजिए हिमालय अभी भी अपनी स्थिरता को ढूंढ रहा है, ऐसे में जो गड़बड़ी इत्यादि वो होती है, ये ग्लेशियर आपको निकालना पड़ेगा। ये ग्लेशियर के बाद जो कई बार मूवमेंट होता है तो वो फिर मोरेन डिपोजिट करते हैं, उसका फेंका हुआ उसके नीचे से वो नदी है, निकल ये ग्लेशियर लेक है। मैंने हिमालय को समझना तो केवल ग्लेशियर को ही सुरक्षित रखने की बात नहीं है, बल्कि उसका मोरेन डिपोजिट, फिर इस प्रकार ग्लेशियर लेक, ये जैव विविधता का एक अथाह गुना है, जिसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी का जो विचार है, अल्पाइन में वहाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, ब्रह्म कमल, भैन कमल, कई प्रकार की औषधीय पादप, ये इनको बुग्याल कहते हैं, झुकी मुँह घास, और ये बर्फ़ और बारिश के पानी को अपने में समाहित करते हैं, फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु इत्यादि जो अनेकों सहायक नदियाँ इसको ये इस प्रकार के जंगल अतिवृष्टि को अपने में समाहित करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे जंगल में लैंडस्लाइड, जैसे इस साल अतिवृष्टि हुई तो कई प्रकार का उन जगह जगह भूस्खलन, और जहाँ छोटी वनस्पति और बड़ी वनस्पति गई बारिश की मोटी उम्र में मिट्टी को छेद नहीं पाए, ऐसी वनस्पति और छोटी वनस्पति ने उस जल को अपने में समाहित किया, समाहित करते हैं फिर जो ये जलधाराएँ निकलती हैं। तो इस प्रकार से केवल हिमालय, पहले तो ग्लेशियर हिमनद और ग्लेशियर लेक हो गया, और उसके बाद जो जंगल है, फिर इस
कोलकाता के लोग थे जिनकी आजीविका हिमालय के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ की कई प्रकार के मनोरंजन इत्यादि पहले से वो अपने लोग अस्पताल पहले परंपरा, लेकिन इन गुजारों में अल्पाइन युगों में जाने जाते हुए तो कुछ परंपराएं थी। जैसे हम उच्च हिमालय में जाते थे तो हमको कहा जाता था कि जूते पहन करके मत जाओ, ऊँचा ऊँची आवाज़ मत लगाओ, लाल कपड़े पहन करके मत। आज आप देख रहे होंगे हिमालय गजे चेयर के जो एटकिंसन थे उन्होंने 1884 में हिमालय गजे चेयर लिखा, उन्होंने कहा कि बैनाथ के आधार पर उस समय 4,000-5,000 के करीब यात्री जाते थे और तीसरा में ये परंपरा डाली ऊँची आवाज़ मत लगाओ, क्योंकि वहाँ वन्य जंतु इत्यादि वो इलाका इतना संवेदनशील है, वो ग्लेशियरों में यदि आप आवाज़ करेंगे तो कंपन होगी और गिरेंगे। तो उसने धर्म के साथ वो जो वो आदेश के आधार पर पता कि जैसा भी 1972 का एक्ट है वन्य पशु संरक्षण के लिए एक्ट करता तो एक्ट का पालन कौन करता, तो वहाँ पर यह हुआ कि यदि आप गड़बड़ी करेंगे तो आपको वन देवता एड़ी आश्री और वन देवता हर देंगे। ये हमारे पूरे हिमालय में जब कोई ऊपरी ग्लेशियर में जाता है क्षेत्र में इस प्रकार से संबंध की बातें हिमालय के संरक्षण। आज आप जो सुनाओगे केदारनाथ जो कि 12,000-13,000 से ऊंचाई 500 या 1,000 के करीब हो जाए सकता है, उसके बुटियालों के ऊपर से कई हेलीकॉप्टर उसमें समझने की बात क्यों ये इतना हुई। तो इस प्रकार से वहाँ का जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें गांव के लोग अपना वहाँ से औषधि लाते थे, औषधि पादपों से केवल अपने आप में बेहतर की के लिए ये फिर यही जो हिमालय से उनको मिलते थे ये पाँच प्रदेश मैंने जो शिवालिक है गुरुद्वारा बाबा इधर देहरादून निकासी है तो ये हिमालय का पूरा इसलिए हिमालय में जो गड़बड़ी हो रही है उसको समझने की आवश्यकता है। हमको ग्लेशियर ही बच्चों नहीं बचाना है, ग्लेशियर ने उसके बाद जो फॉरन डिपोजिट के बाद जो नदियाँ उद्गमित होती हैं उसका भी ध्यान रखना है, अल्पाइन मिडों की सुरक्षा करनी है, फिर जंगल और जंगल के बाद लोग हमने जो स्थानीय लोग हैं उनकी परंपरा ज्ञान और उनकी खेती बाड़ी पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ेंगे। उत्तराखंड का बड़े बड़े मकान इत्यादि ध्वस्त हुए और जो लोग लकड़ी के थे और हिंदू पते और उनके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे जिनमें कंपन हुआ ये मकान टूटे भी पर लोगों की मृत्यु कम हुई। जहाँ सिमन सरिया का था लोग दबे और ज़्यादा वो हुए, जैसे उत्तर का एग्जाम गाँव था वहाँ पर बात कर लोग होते मृत्यु हुई आगे तो ये नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग ये गंगा बेसिन है मान हिमालय से जो मुख्य नदी गंगा में करती है तो ये पूरा ऊपरी भाग है ये अलग गंगा का उद्गम है बद्रीनाथ के आगे एक शतोपंथ ग्लेशियर और दूसरी ओर भगीरथ का शतोपंथ ग्लेशियर का संगम है वहाँ से अलग गंगा निकल दूसरी ओर भगीरथी निकलती है जो आपने देखा अपने भगीरथी का दो मुखा इलाका ये कहीं अलग गंगा का उद्गम है जो भगीरथी और शतोपंथ से उद्गम है। तो ये देवप्रयाग के पास संगम होता है अलग गंगा और भगीरथी का यहाँ से इस नदी को गंगा कहते हैं और फिर ये पूरे गंगा सागर तक प्रवाहित होते हैं। पहाड़ों में तो इससे सिंचाई इत्यादि दोनों में जैसे बहुत ही कम 1% भी नहीं होती है, इनकी सहायक धाराओं से भले तो हो पर इनकी जो जैव विविधता है इनके पास के कारण वहाँ की खेती बाड़ी और जंगल प्रजनन ये सब कारण समझते हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैलाश सोन सरोवर है वहाँ से स्वर्णको नदी निकलती है जो ये 1700 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र की जो उद्यम वाली नदी है स्वर्णको ये 1700 किलोमीटर प्रभावित होती है तिब्बत में। फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से ये सियांग नदी है ऊपर तक पानी रहता है तो ये सियांग नदी है फिर ब्रह्मपुत्र में सियांग के अलावा दीवान सुवर्णशीरी इत्यादि कई नदियाँ मिलती है
और आज ब्रह्मपुत्र से हल किया है बरसात के मौसम में, तो सागर की तरफ पूरे ब्रह्मपुत्र असम घाटी को अपने आगोश में भरने का ये सिंधु नदी है, सिंधु में ये जनस्थान है और इधर से, क्योंकि मुझे सिक्को आंदोलन के दौरान अपने देश के जो गंगा ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र का भी और सिंधु नदी के जो स्योत है और ऊपर अपना जो लेक है पेंगोंग लेक, वहाँ दो तीन बार जाने का उनके अंतर संबंध को समझने का दो होता करके उसमें किस प्रकार का समझ है श्योक में खालसे में जो श्योक का विराट रूप देखा जाता है बाघ का विराट उसको कि वहाँ पर बाढ़ा ही क्या है ये सब समझ लेगा वो ये सतलज है जिसमें कई बार बाढ़ आ गई 1900 2000 में तो बाढ़ आई 2003-04 में परिचु देख बनी जो तिब्बत से निकलते हैं परिचु नदी उसमें लैंडस्लाइड हुआ देख बना दो बार में 2004 और 2005 में भयंकर तबाही हिमाचल प्रदेश लोग तो बच गए थे डेवलप होते लेकिन जो नदी के आसपास के इलाके थे खेत मकान बच्चा जो उसके भाई का तबाही थी ये सतलज का इतिहास का हुआ है तो हिमालय पर हिमालय की नदियों पर जो दबाव है उसको समझने की और एक तो आबादी का विस्तार भी पिछले 50 वर्षों में जहाँ पहले हिमानियाँ खिसक हीरो थी वहाँ मोटर सड़क का जाल बना कई प्रकार की परियोजनाएं बढ़ी और कई अन्य कार्यों से भी आबादी का विस्तार हुआ दो प्रकार से विस्तार हुआ एक तो उच्च हिमालय में दूसरा जो पार प्रदेश है देहरादून वाला इलाका कोटवाला हल्द्वानी इत्यादि पूरे हिमालय क्षेत्र के जो पार प्रदेश है वहाँ पर आबादी का 4 गुना 6 गुना रातों रात जो है कई विकास कार्यों के लिए आबादी का दूसरा महाविकास बड़ी बड़ी परियोजना सिंचाई परियोजना बिजली अन्य परियोजनाओं के कारण हिमालय की संवेदनशीलता बढ़ी और उसके कारण फिर वनों का भी विनाश हुआ और कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनका शिथिल कार्यान है कानून के बावजूद भी यदि ये होता है कि अतिक्रमण हो कानून वालों को कहा जाए तो वो उसको देख सकते और अतिक्रमण की नदियों के किनारे इत्यादि हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक ऊपर से दिखावा की वो तो जरूर होगा लेकिन धरातल उसका हिमालय को बचाने का जो सक्रिय योगदान है वो नहीं हो रहा अंतरण यह है खगोलीकरण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी गड़बड़ियाँ और तेजी के साथ बढ़ रही है कुछ उदाहरण दीजिए आपको दे रहा हूँ 20 शताब्दियों की बात जैसे मैंने 2019 की बात कही 1893 में चुनाव में भी उत्तराखंड में एक गौरा लेक था वो नष्ट हुआ उसकी भी बात नहीं लेकिन इधर 2000 से और 2022 तक जो यहाँ ब्रह्मपुत्र अथवा जो सिंधु की सहायक के लिए उसमें भी प्रलय का निवार आई और जो सियांग है उन्हें जो तिब्बत में जिसको स्वयं को कहते हैं सियांग और सियांग जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी है जिसमें दीवान सुवर्ण श्री इत्यादि मिलती है तो उसमें भी इतनी प्लेन का निभाड़ा कि 30 लोग तो अरुणाचल प्रदेश के मारे गए 50,000 के करीब मकान लोगों की झोपड़ियाँ इत्यादि नष्ट हुई इसके बाद 2008 में कोसी बिहार के बारे में आपका होगा कि कोसी नदी ने 35 किलोमीटर ना कोर्स चेंज कर दिया आप कहेंगे कि कोसी का और हिमालय का क्या संबंध है मैंने कोसी की जो पंच कोसियाँ हैं वो हिमालय में नेपाल के हिमालय से यहाँ तक कि तिब्बत चाइना का जो माउंट एवरेज के उत्तरी भाग से भी उसके सहायक नदी वहाँ पर भी जो गड़बड़ियाँ हुई पेड़ काटे गए तो जो बारिश हुई 2008 तक उसके कारण कोसी की जो बाढ़ का जो बांध था उसके वजह उसने बांध कर जहाँ से पानी का निकास होता था उसके वजह उल्टी दिशा में उसने उसको तोड़ा और फिर 35 किलोमीटर मुझे वहाँ जाने का मौका मिला
एक सप्ताह के तम वहाँ रहे वहाँ के समुद्र पहाड़ का हिमालय का और कोसी का मैंने बिहार के जैसे गंडक बूढ़ी गंडक कई नदियाँ जो नेपाल से उत्तम थी नेपाल हिमालय में यदि गड़बड़ी होती है तो भुगतना हमको पड़ता जैसे 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया नदियाँ उथली हो गई थी अतिवृष्टि हुई 2017 में रैंकारी बाधा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार प्रधानमंत्री को दो बार चक्कर लगाने पड़े ऊपर से उस बाढ़ को देखने के लिए लाखों का करोड़ों रुपये का खर्चा करना इसमें जो चार दर्जन के करीब नदियाँ नेपाल से बहकर के आते हैं क्योंकि भूकंप के कारण वो नदियाँ उसकी हो गई थी अतिवृष्टि को उसके कारण इसी प्रकार 2010 से 12 में भी उत्तराखंड में लाइन का तबाही हुई 2013 में केवल उत्तराखंड में उत्तराखंड के जितने भी पांच जिले थे ऊपर के हिमालय से जुड़े माने उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिछड़े यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती माने भागीरथी अलकनंदा उसकी सहायक नदियाँ पिंडर सरयू रामगंगा गौरी धौली और काली नदी जो धारचूला नेपाल और अंदर से निकली तो यहाँ ये सारी नदियाँ जो है जिलों से निकली एक साथ 14-15 जून 1900 केदारनाथ तो देश के 10,000 के करीब वो प्रभावित थे ये केदारनाथ का फोकस हुआ लेकिन उसके बाद हम लोगों को पूरे उत्तराखंड के हमने जगह जगह देखा कि ग्लेशियर हटे ग्लेशियर लेक टूटी और इन सब नदियों में हमारा जम्मू कश्मीर में आपने सुना था 2014-15 में भयंकर तबाही हुई वहाँ भी यदि आप गहराई से क्योंकि मैंने 3 बार वहाँ की यात्रा की जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए कुलर ले और दरियाई जेलम जो सिल्ट आई पहाड़ी नहीं आती तो वो सारी सिल्ट बह करके आए उसका जलस्तर बढ़ा फिर 2021 में आपने सुना होगा 7 फरवरी को उत्तराखंड में रेल में रहता है 1974 में यहाँ पर चिपको आंदोलन चला था पेड़ काटेंगे तो ये इलाका बहुत कमजोर है नहीं वहाँ पर एक परियोजना बनी 13 महीने हमने उसका विरोध किया था चिट्ठी भी लिखी उच्चतम न्यायालय की एक कमेटी थी और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी थे उनको भी बताया कि यहाँ ये प्रोजेक्ट बनेगा तो इसका नुकसान तो ज़्यादा उस पर एक्शन हुआ नहीं और उसका प्रभाव ये हुआ कि 2021 में 205 लोग मारे गए माने जो फर्स्ट एक्शन हुआ वहाँ से चट्टान टूटी उस चट्टान के टूटे से क्ले से इत्यादि तो ये स्थिति वहाँ पर हुई और इस साल भी जब जगह जगह उत्तराखंड में नुकसान हुआ और नदियों में भी मध्य हिमालय में पूर्वी हिमालय में जगह जगह नुकसान हो रहा है उसके आंकड़े भरे नहीं ये जो दबाव है उन्हें 2020 से 22 ये पहले लेक थी जो चोरावाड़ी में और वो 2013 के 14-15-16 दिनों को नष्ट हो गया था ये लेक बदल गया है अगला ये बद्रीनाथ के पास विष्णुप्रयाग परियोजना है केवल केदारनाथ ही में नहीं बल्कि बद्रीनाथ में पूरी रोड इसका उन्होंने पहाड़ी हिमालय के जिले हैं उत्तराखंड के ये चित्र मुझे NRS सेल है जो हम हैदराबाद में है उन्होंने प्रस्तुत किया था उसका एक बार में जैसे ये उनके चित्र के आधार पर जहाँ ये पीली रेखा इसके ऊपर पूरा इलाका नष्ट हुआ मैंने जलवायु परिवर्तन का खगोलीकरण का जो प्रभाव पड़ा तो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है हिमालय इलाज ये जो लाल लाल एक साथ 2016-17 बद्रीनाथ केदारनाथ वाले इलाके में तो हुआ ही नहीं लेकिन और लेकिन कहीं 7 लोग कहीं 5 लोग कहीं 1 दर्जन लोग मारे गए 1,000 लोग इलाका में एक साथ हुई मैंने 2015 और 2016 में इलाका का नुकसान हुआ तो ये जो पिछले 21 में हुआ मैंने फर्स्ट एक्शन हुआ अधिकांश बार बार उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट हुआ और वो टूटे गए इस प्रकार से आगे ये यदि हिमालय में गड़बड़ी होती है इतने प्रदेश हिमालय में चाहे वो भारत का हिमालय हो
सालों पर दुआ संकट नदियों का तल भरेगा और प्रदूषण कई प्रकार की समस्याओं में अलग अंत में मेरे जो जवाब है एक तो शोध होना चाहिए सूचना एकत्रित की जानी चाहिए पूर्व सूचना पर विकसित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अलग से पर्यावरण विभाग बनना चाहिए। अभी तक क्या है कि एक डिजन जैसा अनेक निरीक्षक पीछे जा रहे हैं उस निरीक्षणों के पीछे जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है जीव जंतुओं पर फ्री लाइन पर खेती बाड़ी पर लोगों की आजीविका पर क्या प्रभाव इस प्रकार का एक तरह से भौतिक विज्ञान से जुड़े जितने भी विभाग हैं उनका एक संस्थान बनना चाहिए जो एक साथ आठ कोई विश्वविद्यालय फ्री लाइन पर ही जो करा कोई विज्ञान पर ही अध्ययन कर अलग लेकिन एकत्रित रूप से एक जगह वो हो और इस प्रकार से अध्ययन होना चाहिए एक संस्थान बन रहा। मैंने पूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी को ये लिखा उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात डी एस पी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने तीन रिटायर्ड अधिकारी वैज्ञानिक को कुछ कर नहीं पाए वर्तमान प्रधानमंत्री विस्तार से इस बारे में अभी तक कार्रवाई आप जैसे जन और पत्रकार के लेकर इस विषय को उजागर करें कि यदि हिमालय में गड़बड़ी होगी उसका पूरे उत्तरी भारत और दो महीने पहले साल इन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसी प्रकार एक हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ क्योंकि हमारी कई नदियाँ ब्रह्मपुत्र गंगा ऐसे उनकी कई धाराएँ हिमालय से आगे तिब्बत से चाइना से भी जो निकलती है नेपाल से भूटान इनका एक पारिस्थितिक मंच होना चाहिए जो संरक्षण के बारे में वाणी सिस्टम जैसे समुद्री सूचना आता है तो आज समुद्र के किनारे की जो भी वस्तु है पहले ही सूचना दी जाए। इसी प्रकार हिमालय की जो नदियाँ हैं उनमें यदि कोई गड़बड़ी होती है अच्छी बात वो यहाँ के लोगों को बता दें नेपाल इसी प्रकार संयुक्त रूप से हरियाली आदि लाने के कार्यक्रम इस मंच से होने से अंत में यह है कि डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो और वो साल भर में निगरानी रखे यहाँ विकास कार्य ठीक से हो रहे हैं पर्यावरण और जलवायु का क्या असर पड़ रहा है ये सारा वो तो इन बातों को आपको प्रस्तुत आपने जो जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत वैज्ञानिक है और धरातल पर उतरता है लोगों के तो बहुत इनलाइटनमेंट हुआ सब लोगों को बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था पहली बार बहुत सारे लोगों ने ये सब देखा। मेरा भट्टी आपसे सवाल है कि लगातार पिछले कई वर्षों से मौसम बेमौसम बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं लगातार हो रही हैं और बादल फटने की घटनाओं को हमारे जो संचार के माध्यम है चाहे वो टीवी हो रेडियो हो वो कहता है कि ये प्राकृतिक आपदा है और इस पर एक बहस चलती है कि प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित ये सारी चीजें हैं तो बादल यानी कारण है और क्या प्राकृतिक का पहली बात तो यह है कि मौसमी बदलाव एक वास्तविकता है कोई वो नहीं है मौसमी बदलाव तो होते रहते हैं लेकिन जहाँ तक आपने बादल और बादल फटने की बात की आजकल छोटा भी यदि कोई डिजास्टर होता है कोई आपदा होती है उसमें सीधे सीधे सवाल होता है कि बादल फट गया मैंने अपनी जिम्मेदारी से हट करके प्रकृति को उसका दोष दिया। बादल फटने का मतलब ये होता है कि एक जगह पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश गिरेगी तो उसको बादल आजकल तो 50 जैसे 2010 में लद्दाख में लेना लेना बहुत लट गिरी और पूरा बाजार पूरा ठंडा नहीं पेड़ तो थे नहीं अतिवृष्टि हुई उस दिन मैंने जो देहरादून में एक शर्मा जी थे मौसम विज्ञान के डायरेक्टर और यहाँ राठौर जी थे भारत सरकार में उन लोगों को फोन किया कि कहा जा रहा है कि बादल
क्योंकि जो हमारा कांसिमालय का इलाका है वहाँ लद्दाख में 65 मिलीमीटर से लेकर के 75 मिलीमीटर बारिश साल भर में होती है, वहाँ तो 100 मिलीमीटर बारिश का कहीं वही नहीं था। तो आज बारिश कितनी है उन्होंने कहा 43 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर हो, इसका मतलब पादर प्रकोप नहीं होगा। इस साल ही आपने देखा होगा कि जो अमरनाथ के पास वो नादार कई लोग मारे गए बादल फटने का, उस अमरनाथ गुफा के आजू बाजू ऊपर के इलाके देखना चाहिए था क्या स्थिति है, कोई नाला या कोई छोटा लेक तो नहीं था और जिसमें बारिश का पानी जमा हुआ फिर वो टूटा उसने इतना नुकसान किया। तो बादल फटने पर एकदम से सोचते रहे क्योंकि कुछ ये देहरादून में जो संस्थान है हिमालय गई थी तो मैं पढ़ रहा था कि 75 मिलीमीटर बारिश पूरे दिन भर में। अब दोस्त उत्तराखंड में इस साल बहुत नुकसान है, अन्य इलाकों में भी कुल समाचार पत्रों में आता है कि बादल फट गया। तो बादल फटने का तो सवाल यह है कि इस प्रकार से बारिश एक जगह पर केंद्रित होगी तब बादल तो बिना सोचे समझे मगर वहाँ जाएंगे देखे हुए समझ बनाए बिना ये कह देना। तो ये सबसे उस इलाके में कोई गड़बड़ी तो नहीं, मिट्टी का जैसा अभी सड़क की चैनल में मिट्टी का जो अपरदन है मिट्टी की सुरक्षा ठीक से की जा रही है, क्योंकि नहीं तो बारिश आएगी तो सड़क का जो भी मलबा है वो नदियों में बहेगा, वो ऋषिकेश हरिद्वार और आगे तक पहुँचेगा, नदियों के तल बढ़ेंगे तो पानी ऊपर तक भी बढ़ जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा कहा जाए या मानव कर ये सोचने समझने की एक सवाल है कि जब आप मैं बचपन से क्योंकि वहाँ रहा हूँ तो मैं एक बहस करती थी कि आप पर्यावरण के जब इश्यूज उठाते हैं बड़े बांधों का विरोध करते हैं और बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मालिक को आपके अनुसार या आप लोगों जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि बड़े जो बांध परियोजनाएं ये बड़ी बांध परियोजनाएं उत्तराखंड के लिए और हिमालय के लिए घातक है। तो ये जो और एक तरह से ब्रांड किया जाता है चाहे सुंदरलाल बहुरा जी रहे हों चाहे आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे रहे ऐसा ब्रांड किया जाता है कि ये अगर आप पर्यावरण की बात करेंगे विकास के मुद्दों पर तो विकास विरोधी ब्रांड कर दिया जाता है। तो ये जो भ्रांतियां है पहले से चली आ रही थी तो आप उसके परिणाम भी आपके हिसाब से निकलने लगे हैं क्योंकि आप जो चेतावनी देते थे वो चेतावनियां साबित हो रही हैं कि आप लोग भी कहते हैं चेतावनियां सही रास्ते पर थी। तो आप ये जो भ्रांतियां थी कि पर्यावरण की बात करना विकास को रोकना है इस पर आप क्या कहते हैं? विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है, जहाँ तक बड़े वाहन की बात है पहले वहाँ की भूमि भार वाहन क्षमता अगर वो आकर के जंगल की परिस्थितियाँ दे करके तब जाकर के विकास को करें संपन्न किए जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ से जो गड़बड़ियाँ हैं उनके बारे में पहले ही सब सोचा जाना चाहिए, पहले ही उसके बारे में बहुत स्थिति स्पष्ट है। कहीं कोई परियोजना बन रही है तो 10-20 साल पहले से वहाँ हर समाचार जी से स्थिरता बनी रहे, ऐसे कार्यक्रम पहले से लगाए जाने चाहिए जिससे मिट्टी का अपरदन इत्यादि कम से कम हो और इन बांधों की तो बड़ी परियोजनाओं की छोटी परियोजना बड़ी नहीं छोटी परियोजनाओं की भी जो आयु जो है वो लंबी रहे इस पर आजकल सोचा नहीं जा रहा। जैसे रहने की बात है तो 5 लोग हो गई वहाँ पर जो परियोजना बनी 13 मेगावाट की रैनी के पास, तो वो नंदा देवी बायोस्फीयर या नेशनल पार्क का क्षेत्र उसके बहाने पर वहाँ पर ये पैदल सड़क बन रही है कहीं उत्तराखंड में तो कहा जाता है ये इकोलॉजी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आपको इको सेंसिटिव जोन है उस पर इजाजत नहीं मिलती। तो इतनी बड़ी परियोजना को जो पर्यावरणीय क्लियरेंस देते हैं उनकी समझ होनी चाहिए वो दिल्ली में बैठे कुछ भी स्वीकृति दे देता कल को लोगों को उगर चलता जैसे डेली में 13
मेगावाट परियोजना बनी, बिल्कुल गंगा देवी नेशनल पार्क के मुहाने पर, जबकि वहाँ पर बनना नहीं चाहिए। और मैंने 2010 में जो उच्चतम न्यायालय की समिति थी उनको भी लिख दिया, पर्यावरण मंत्री जी को भी लिख दिया, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो ये हमारे की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसकी स्वीकृति देते हैं इनकी समझ होनी चाहिए उस इलाके और समझ इलाके की समझ में नहीं होती है, ऊपर से कई प्रकार के दबाव होते हैं तो ये स्वीकृति ली जाती है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि उत्तराखंड नहीं मतलब पूरा जो हिमालयी राज्य है, हिमालयी राज्य केरल जो हिमालयी राज्य है वो इतफाक ये है कि भारत के एक जोखिम भरा बॉर्डर का इलाका भी है, पाकिस्तान की सीमा से लेकर के पूर्व तक चीन से बहुत बड़ी सीमा हमारी लगती है। लेकिन एक सोशल प्रॉब्लम आ रही है कि हिमालयी राज्यों से पलायन हो रहा है इंक्लूडिंग उत्तराखंड, और जो बॉर्डर के इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो वहाँ से रोजी रोटी की तलाश में या शिक्षा की तलाश में या हेल्थ की तलाश में नीचे आ रहे हैं और बॉर्डर खाली हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले वक्त में कोई बहुत चुनौतीपूर्ण सामरिक संकट खड़ा होगा भारत में? देख रहे हैं कि हमारे जो हिमालय के पास कई गांव बसाने की बात आते चर्चा में, और हमारे यहाँ बसे हुए गाँव का पलायन हो रहा है मुख्य रूप से, जैसे मोहना में तो बदनाथ या सर्टिकल आज भी वहाँ उस प्रकार का पलायन नहीं है, लेकिन नीति घाटी है इधर केलांग घाटी है उत्तरकाशी में, जब 1962 में वहाँ से लोगों ने पलायन किया तो हमारी सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ उन्होंने वो आज होना ये चाहिए कि उनको कई प्रकार की सुविधाएँ चाहे ग्रामीण उद्योग हों कॉटेज इंडस्ट्री हों प्रकार के कार्यक्रम, क्योंकि पहले उन लोगों का बद के साथ व्यापार चलता था उनका कई अन्य प्रकार के लोग संपन्न होते घोड़े भेड़ बकरे इत्यादि आदान प्रदान और लोग बहुत संपन्न भी थे गाँव खाली है आज, क्योंकि वो व्यापार तो समाप्त हो गया उसके बाद जो पलायन हुआ है उसको लोग ये ठीक है कि वहाँ के कई लड़के लड़के बन गए IAS PCS में निकल गए वो तो ठीक है कि संपन्न उन्हें जो पलायन हुआ वो कर, लेकिन बाकी लोगों को तो बस सिंपल है उसको मदद दी जाए, जो मैंने पहले ही कहा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग तो उसी के लिए समर्पित से, और उसमें हम लोगों ने खाली ग्रामोद्योग इत्यादि के कार्यक्रम पूरे जो बॉर्डर एरिया है उसमें गाली संस्थान उस प्रकार का कार्यक्रम चला है, तो वो कार्यक्रम फिर से चलना चाहिए। और पलायन कैसे रुके व्यवहारिक, एक तो यह है कि आज भी केवल पलायन वहाँ का देखिए या देहरादून विदेशों में भी अमेरिका में भी हमारे यहाँ लिस्ट देख रहा था उत्तराखंड 1,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ भी उस पलायन को तो हम रोक रहे, लेकिन जो लोग खाली यहाँ वचन मान रहे थे या पलायन को रोका जाना चाहिए वहाँ वहाँ पर खादी ग्राम उद्योग इत्यादि और ये पैकेज इंडस्ट्री शुरू किए जाने उस प्रकार के इलाके मुझे ज्यादा जाते थे वहाँ पर आज ऐसे सब्जी का उत्पादन हो रहा है, पता चला कि 52% समझी सेना वाले खरीदते हैं पूरे प्रचार के लोग वैसे ही सब्जी या इस प्रकार के भोजन जैसे वाल रहते हैं, तो वो यदि होगा तो वो ज़्यादा मतलब उसके बिगाड़ हो सकते हैं एकदम उसको ला सकते तो पा सकते हैं, तो महिलाएँ मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पलायन रोकने के लिए एक समर्थन इधर पता चला है कि जैसे बदनाथ माना प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ या नहीं मुझे तो जानकारी नहीं, इस प्रकार से जो हमारे सीमांत के गाँव हैं ऑलरेडी तो सीमांत लकड़ी गाँव बनाए हैं
हमारे यहाँ जो गांव पहले से उनको कैसे समृद्ध बनाए, वहाँ पलायन कैसे रोके, इस पर चिंतन चर्चा व्यवहारिक तारीख हो गई। चिंतन चर्चा तो बहुत होती एक और सवाल है मेरे दिमाग में, इससे पहले कि मैं अपने जो मौजूद हमारे गणमान्य साथी हैं उन तक जाऊँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड को पूरे उत्तर भारत के जो हिमालयी राज्य हैं, और न केवल हिमालयी राज्य बल्कि जो हिमालय राज्य नहीं है उन राज्यों का वाटर टैंक कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जैसे दिल्ली हिमालय राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली का जो मौसम है वो हिमालय से कंट्रोल है, तो ऐसी ऐसी दशा में जो ये जो जल स्रोत उत्तराखंड के जो जल स्रोत है प्राकृतिक नेचुरल जिनको कहते हैं नेचुरल जो स्रोत है पानी के, वो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो जल स्रोत सूख रहे, वाटर टैंक जिसको हम कहते हैं उस पूरे क्षेत्र को, वहाँ अगर छोटे जल स्रोत सूख रहे हैं तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। इस पर क्या कभी आपने आपके पास रिपोर्ट्स है इस तरह की, या सोचा कभी आपने इन चीज़ों पर? एक तो जो मौसम की चिंता है वो यही है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो जब तक वो तेजी से पिघल रहे तब तक तो नदियों में पानी घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा एक समय ऐसा होगा कि हिमालय की नदियाँ यदि बरसाती नदियाँ हो जाएगी उसका फिर जहाँ से ये नदी बह रही है वहाँ किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये सोचने की बात है, वहाँ तो फिर पानी के लाले पड़ जाएंगे, इस पर विचार किया जाए तो वो तभी होगा। केवल पेड़ बड़े होने से जो वनस्पति छोटी हो तो बारिश की बूंदों को अपने में समाहित करें, फिर जलधाराएं वर्ष पर्यंत होती रहे, तो ये जल भंडार तो है ही हिमालय अनेक ग्लेशियर है जो बुग्याल में ने दिखाया, ग्लेशियर लेक मोरेन डिपोजिट फिर चौड़ी पत्ती के जंगल, ये सब उस जल भंडार को बढ़ाते हैं। यदि इनका विनाश होगा जैसे पेड़ नष्ट होंगे तो मिट्टी भी बाहर करके आएगी और पानी भी तत्काल तो बाहर करके आएगा, वो बाहर तो आएगी लेकिन लंबे समय के बाद वो बारिश आएगी तो ग्लेशियर का पानी नहीं रहेगा, जब बारिश आएगी तब तो ये नदियाँ खूब प्रभावित होंगी जिनमें बाढ़ आते रहेंगे, लेकिन जब बारिश नहीं आएगी तो ये जैसे यहाँ बरसाती नदी है वही आज गंगा की हुई उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, जैसे गंगा के साथ हमारे नौ राज्य सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से लेकर के और गंगा सागर, फिर तो गंगा की सहायक नदियाँ जैसे गंगा की सहायक यमुना है, यमुना निकलती है अपना यमुनोत्री से भी ऊपर का और वहाँ यदि गड़बड़ी होती है जैसे 1900 हुई थी उत्तराखंड में, उससे जो क्योंकि एक तो भगीरथी में भयंकर एक्सीडेंट के कारण बाहर आ गई थी 1900 हम वहाँ से यात्रा करके यहाँ आए और अध्ययन की तो टाइम्स के संपादक उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने देखा क्योंकि जो पुल है आई क्यू यमुना का जलस्तर पुल को छूने के लिए एक फिट हो गया है, बड़ी हाई तबाही जो जो यमुना के किनारे के लोगों को सारे उठा दिए गए थे, तो सवाल यह कि ये सब कहाँ से आया, मान ये जहाँ से यमुना भी निकलती है वहाँ जंगल कटे या वहाँ लैंड स्लाइड हुआ हम देख चुके, वहाँ से मिट्टी जल के साथ मिट्टी भी प्रभावित हुई है उसके कारण यमुना का ये हाल हुआ, इसलिए तो पहाड़ों में इतना नुकसान नहीं हुआ, लोग तो चोटी में रह गए, उसका जो निचला क्षेत्र है वहाँ उसका कुछ इसलिए यह हुआ तो नीचे से उठनी चाहिए, हिमालय का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। आज ये होता है कि उनको ये कहानी ये सब दिल्ली की जो धारा है वो हिमालय में गड़बड़ी के कारण, इसलिए एक एक रूप से ये आवाज़ उठनी चाहिए। मैं जो सवाल पूछना चाहें तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, धन्यवाद आपको बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देखा है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय इशू पे कि आपको पता ही होगा कि दाल से इजिप्ट सर्मल सेट में क्लाइमेट चेंज पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है और फर्स्ट लीडर्स का मीटिंग है हेड ऑफ द स्टेट का, इस तरह का कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी दुनिया से हिमालय के बारे में बहुत कंसर्न एक्सप्रेस किया गया, ग्लेशियर के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। इस तरह का कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसे कोई इशू आ रहा है कि आना चाहिए कि तो आप जैसे काम कर रहे हैं आपको कभी इस तरह का कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से शामिल किया गया ताकि आप इस इशू पे एक जागरूकता तो पैदा कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जैसे अभी इंडिया में हमने तो अपने जैसे अभी दिल्ली में ये धुआं चल रहा है यानी हिमालय में भी आग लग जाते हैं उत्तराखंड में आकर से और इलाके भी हैं जहाँ धूम कल्टिवेशन इत्यादि, क्योंकि मैं अभी वहाँ स्वीडन स्टॉकहोम गए थे, स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में एक दो छात्र छात्र यहाँ के थे, उन्होंने अपना पर्यावरण विभाग के उनके प्रोफेसर थे उनसे भेंट हुए, वहाँ अध्ययन हो रहा है कि यहाँ का धुआं जो है हिमालय में ब्लैक कार्बन पर ये मीठे वहाँ पर गौरव दिन, तो उन्होंने कहा कि वो ब्लैक कार्बन हिमालय तक पहुँच गया है जो जहाँ का, तो वो ब्लैक कार्बन पहुँचने से वो पूरा तो बाहर तो वो हो रहा है पर अध्ययन शोधित कर हमारे यहाँ भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय पर वो अनमार में बंद है और लोगों तक और जिनको कार्यान्वयन करना तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा, इसलिए मैंने तो ये कहा कि तो उनके उसमें था कि इस प्रकार का शोध होना चाहिए जिसमें भौतिक विज्ञान के यानी ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं क्या ये धुआं है चली वो ये अध्ययन करेंगे जैसे पीछे जा रहे की बात तो केवल वो तो मीटर में कहेंगे कि साहब पहले ग्लेशियर यहाँ पर था और 100 मीटर पीछे चले गए पीछा, हमारे गांव का बूढ़ा जो माया का वो कहेगा कल यहाँ पर आज यहाँ पर है ग्लेशियर और आज से 20 साल पहले हमने यहाँ पर देखा, वो तो हाथ के हिसाब से या कदम से ये इतना महत्वपूर्ण है, ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं वो चिंता की बात, उसके जो अंतर समय उसका वहाँ के जीव जंतुओं पर वहाँ की खेती बाड़ी पर वहाँ के जो ट्री लाइन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रकार का शोध होना चाहिए, तो ये शोध अगर तो हो रहा होगा कि सब ट्री लाइन पर क्या हो रहा है जीव जंतुओं पर हमारी खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एकीकृत रूप से इस प्रकार का अध्ययन हुआ नहीं है, जो आपने ट्री दबाया हिमालय की ये स्थिति है यहाँ पानी का, इसलिए हमारा ये शोध के जी जी तो आपका आपने जो जो इम्पोर्टेंट जवाब चंद्र प्रसाद जी ने दिया जो मैं समझ पाया कि हमारी चिंता हमारी सरकार नहीं कर रही, हमारी चिंता सात समुद्र पार के देश में वहां शोध हो रहे हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो सरकारें शोध है, शोध करना शोध ये दो शोध और शोध दोनों काम हो रहा अलग अलग तो और कोई मैं रमेश जुगलाल जी नमस्कार आपको प्रणाम करता हूँ, आप यहाँ आ रहे हैं स्वागत है आपका, योगेश जुगराम मैं हूँ। पूमा भाई ने सवाल किया था आंखों को लेकर के और बादलों को फटने को लेकर के, तो एक सवाल तो मेरा बहुत साधारण है और सतही सवाल है कि भाई हिमालय में जो बांध हैं खासकर टीरी बांध या तमाम तरह के बांध, क्या इनका कोई इम्पैक्ट जो है या इनसे जो वाइब्रेशन जो उठ रहा है क्या उसका बादल फटने से कोई संबंध है कि नहीं है? एक दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही शानदार दिया,
और इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा इससे ज्ञान मिला हमको। लेकिन ये सारे चीज़ें, ये जो सारे हम लोग वो कर रहे हैं, तो आज संभवतः हम लोग 2024 या 25 में चिपको आंदोलन का लगभग मतलब स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, और तब हमारे पास में जब वो आंदोलन चला था, ये वो था उसमें कि भाई गनों को लेकर के था और दूसरे सामानों को लेकर के था, स्थानीय अधिकारों को लेकर के। तब हमारे पास में मीडिया भी उस तरह से नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज हिमालय को लेकर के जिस तरह की चिंताएं आप लोग, आप जैसे लोग प्रकट कर रहे हैं, या हम लोग जो समझते हैं इस इन सारे सवालों को, तो आज जमीन पे सरकारें को अपनी तरह से रिएक्ट करेंगी नहीं करेंगी वो एक सवाल है, लेकिन क्या जमीन पे हम किसी बड़े आंदोलन की आहट देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। और दूसरी बस उसमें सिर्फ ये है कि उसमें हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या हम लोग जो को ये कहते हैं, वो कहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। जी मैं एक सवाल, इससे पहले कि कोई और बात पूछे, मैं बादल फटने का के बादल फटने का आपने बताया है, वैसे ही भूस्खलन जो है लैंडस्लाइड, इसका मानव रचित कारण है या ये प्राकृतिक है? भूस्खलन का एक कारण तो
कारण भी है। उसका जो हिमालय के बारे में पहले ना कि वो आज भी ऊपर उठ रहा है, युवा पहाड़ है और वो बहुत गुस्सेल है और जो बीच बीच में भूकंप आते हैं उसके काम दरारें पड़ती हैं, जब अतिवृष्टि होती है तो वो दरार में पानी वो होता है, वो फिर नीचे लैंडस्लाइड होता है। ये कारण भी हो सकता है। बादल फटना तो जैसे मैंने कहा ना कि एक जगह पर इतनी बारिश आई वो नहीं, जैसे ऊखीमठ के पास 1998 में दो गांव पूरे के पूरे पहाड़ में लैंडस्लाइड हुआ, पता चला बाद में हमने साइट जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वालों से कहा, उन्होंने कहा कि 1991 में वहाँ दरार पड़ी और 1998 में अतिवृष्टि हुई तो वो पूरा पहाड़ नीचे आ गया और दो गांव उधर गए। आपने सुना होगा कि प्रतिमा बेदी इत्यादि लोग वहाँ जा रहे थे अपने कैलाश मानसरोवर, वहाँ 250 लोग मारे गए, तो वहाँ भी पर जो मॉडर्न स्कूल वाले कॉलेज थे 3 दिन पहले वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, यदि बचा जा सकता था सुरक्षित उन्हें वो गाड़ी में उन्होंने कैंप वो दिया ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे। तो ये आज हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कि हम देख सकते हैं कि भूकंप आया कहीं दरार तो नहीं पड़े, यदि दरार पड़े तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को स्थानीय लोगों को सावधान किया जाना चाहिए, तुम्हारे गांव के ऊपर से दबाव दरार पड़ी हुई, अमुक मोटरसाइकिल के ऊपर दरार पड़ी हुई है, अति लैंडस्लाइडों का पूरा इलाका नीचे आएगा, तो ये बचा जा सकता है। लेकिन उसमें इस प्रकार के एक्टर्स भी बने हुए हैं, हमने तो इसरो से जो प्रभात कुमार जी पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो बाद में बंगाल के राज्यपाल बने, मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमने आंदोलन का अध्ययन इसरो से करवाया कि जहाँ पे बचाने का आंदोलन हुआ, जहाँ पेड़ निकालने का हुआ वहाँ बटन ढंग से 2000 अध्ययन किया जाए कि परिवर्तन क्या हुआ। इसी प्रकार हमने कहा कि जो हमारी सड़कें हैं बद्रीनाथ केदारनाथ ये जगह जगह यहाँ दरार है, सड़क कौन से लैंडस्लाइड सुसुप्त है, कौन से लैंडस्लाइड एक्टिव है, इस प्रकार का एक्सेस बनाया जाए। इसरो ने ये एक्सेस बनाए हुए हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा जिसके कारण से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मैडम रिजल्ट है आपका टोटल महाराष्ट्र के नंबर पे हो रही है और मास्टर नॉर्थ बंगाल है, इस महाराष्ट्र के ऊपर बैठे लैंड लग और महाराष्ट्र का प्रॉब्लम एक है, सोलह सॉल्यूशन भी एक होना चाहिए। जैसे आपका ऑफिस के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बना है, ऑफिस काउंसिल बना है, आप लोग को डिमांड नहीं करना है कि एक हिमालय काउंसिल बना है जिसमें इस हिमालय रिजल्ट का जिसको लैंड लग है और रिमोट है और अंडरडेवलप्ड है, इस टाइप का एक सेपरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने जो नृपेंद्र मिश्र जी हैं प्रमुख सचिव 3-4 साल पहले उनको पहले पीएम को एक पत्र लिखा था, उन्होंने बातचीत का समय भी किया 41 मिनट तो हमारी बातचीत की और अभी हुए तो उन्होंने पूरा मुझसे कंसेप्ट नोट यदि आपको चाहिए तो यहाँ आपके पास उसका दिया वो नोट भी दिया और उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को कहा कि ये इस पर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय में तो पुराने मंत्री थे, उन्होंने डीजी को लिखा, डीजी ने डीआईजी को लिखा, डीआईजी ने डीआईजी को लिखा, डीआईजी ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव प्रमुख वन को लिखा, PCCF को लिखा और वहाँ से कोई जवाब, जबकि ये तो कैबिनेट स्तर पर इसका निर्णय होना चाहिए था पर्यावरण। तो आज कई बार पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो मुझे पता है कि हम ये काम की जरूरत है क्योंकि निपेंद्र ने कहा कि 100 करोड़ रुपये हम हिमालय के लिए दे रहे हैं, हमारा ये था कि यहाँ पर जो कुछ भी गड़बड़ क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके संबंध में काम हो रहा है, तो उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय लोग उनकी समझ की बात होती है वो समझे नहीं, उन्होंने प्रदेश के उत्तराखंड के PCCF को लिख दिया जबकि उसको उन्हीं को करना चाहिए लिखित में वो। तो सवाल आप इस प्रकार के इसके लिए तो बुद्धिजीवी हैं
प्रशांत का केवल काउंसिल बनाने का प्लान करते हैं, स्टेट्स को लेकर इसलिए पांच केवल कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, इंडिया, तिब्बत और म्यांमार। ये पांच कंट्री जैसे आर्टिक काउंसिल है 11 मेंबर्स, अब ऐसे हिमालय काउंसिल भी बन सकता है दीज कंट्रीज, क्योंकि देयर अगेन द प्रॉब्लम सेम होता है और सोल्यूशन सेम होता है। वैसे एक तो इसी बोर्ड जो है जिसमें ये अफगानिस्तान से लेकर के वो पूरा पॉइंट थ्री है ना, पर वो जैसे वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की बात है, हरियाली लाने की बात है, जो प्रमुख और सिंधु में जिससे हम भारत के लोग अपने वाटर शेड का अध्ययन तो करें, लेकिन जो परा हिमालय उससे बाहर का जो हिमालय वहाँ का अध्ययन तो वहाँ के देश के लोग करें और उसकी जानकारी हमको दें, हम अपनी जानकारी उनको दें। जैसे 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया तो वहाँ की नदियाँ उफला गई थी और वो 24-48 छोटी बड़ी नदियाँ हमारी घाघरा, गंडक, नदी गंडक, कोसी में मिलती है, तो 17 में अतिवृष्टि हुई, उसमें सीट आई तो भुगतना हमको पड़ा। इसलिए हमको जो उस तरफ देना चाहिए कि आपकी नदियाँ जो है वो उनमें हरित न रहे, वो बकराए नहीं, तो ये कार्यक्रम संयुक्त मंच से हो सकता है। और वार्निंग सिस्टम भी जैसे भूटान की तिस्तान इत्यादि में उसकी कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, उस बारे में आगे कार्य बढ़ना चाहिए, बस उसमें उनका भी हिस्सा है हमारा भी। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास और कितना विनाश होगा? सड़क बन गई, उसमें तो ज्यादा करने के लिए कोई वो है नहीं, है कि जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है वो ठीक है, से तो होता है क्योंकि जो मिट्टी आ रही है वो इसके सरकार के लिए तो खतरा ही है, लेकिन मैं समझता हूँ वो यहाँ तक गंगा जा सकता है, वो मिट्टी धकेल करके वहाँ भी गंगा का जलस्तर ऊपर भरी चल रहा है उसका, तो उसको बाकी जो गड़बड़ हो गई थी वो वहाँ के लिए मैंने बताया ना 2001 में एटलस बन गया था कि जो सुसुप्त अर्थक्वेक है और जो एक्टिव अर्थक्वेक है उनका तक बना हुआ है कि यहाँ पर नेजर में उसका प्रबंधन के लिए भी कहा गया है कि ये जैसे केदारनाथ के लिए प्रबंधन किया गया है कि पत्थर की दीवार बन बनाओ तो हम दूसरी नंबर खास करें, लेकिन जो करंट में करने वाले हैं उनकी समझ में उन्होंने वो एक्सेप्ट देखा है। सर मेरा बेसिक सा सवाल है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, ये सब बड़ा एवरीडे लिंगो में अब आ चुका है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्योंकि उत्तराखंड में आप देख लीजिए दरबार विकास मंडल परिषद जो है उनके खुद के कॉटेजेस और उनकी खुद की अलग अलग उन्होंने अपने गेस्ट हाउसेज वगैरह बनाए हुए हैं, इन सब मुद्दों के बारे में जैसे चिपको ने जैसे आपने बोला कि चिपको ने जिस तरह से दबदबा बनाया था और लोगों को परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था, वो अब क्यों नहीं हो पाया? हाँ, पहले तो असल में जैसे जो नदी केदारनाथ बद्रीनाथ की जो पैदल सड़क आप देखिए पैदल सड़क नदी से बहुत और एक कावा थी का रोड खड़ा उन्होंने नदी के किनारे जो पसंद तो आपने कहा दरबार मंडल दिखा कि उनके 31 एकड़ी वो भी क्योंकि आजकल तो रिवर व्यू वाले होटल बनते हैं या गढ़वाल मंडल विकास को जो हमने केदारनाथ के रास्ते में सोचा वो सारे टूटे, तो ये कई बार कहा गया, अब लोग भी उसके साथ जुड़े हुए, उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास को हमने बनाया और लोगों ने भी बना दिया उसके बगल कर दिया या किसी का खेत रहा उसने, और पहले तो इस बात का ध्यान रखा जाता मकान कहाँ बनाया जा, लोग मिट्टी को सुनते थे और श्रावण के मेले में ऐसे चावल के 700 में वो नींव डाली जाती तब मकान बनाते थे, मैंने 7 श्रावण बारिश के बाद भी मकान की नींव ठीक रही तब मकान बनता था, लेकिन आज तो उसको देखा नहीं जाता फटाफ उठा उसको कोई करवा नहीं होती है तो वो डिजास्टर हो जाए जबकि वो मैन में ये अरुण तिवारी
नमस्कार। आप अभी चिंता कर रहे थे उमा कांत जी, जब ये प्रश्न पूछ रहे थे कि वहाँ उत्तराखंड में ऊपर से नीचे पलायन एक बड़ी और उस पर एक डिस्कशन भी हुआ। मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के भी एक पत्रकार की तरह प्रश्न पूछता हूँ या सोचता हूँ तो लगता है तो अच्छा ही है, यदि ऊपर से नीचे पलायन हो रहा है तो पर्यावरण के लिए तो अच्छा है, मानव हस्तक्षेप उस इलाके में कम होगा। लेकिन आप हिमालय में बैठ कर इसको एक समग्र नजरिए से क्या सोचते हैं कि वो पलायन पर्यावरण के लिए और समाज के लिए अच्छा होगा या नहीं? तीन प्रश्न है मेरे, उससे आगे मैं अगले प्रश्न पूछूं। पलायन की बात कही ना, एक तो अमेरिका वाला पलायन, देश वाला पलायन, सम्मान देने का वैसे सम्मान देने दिल्ली के लिए भी है, लेकिन एक तीसरे ढंग का जो पलायन है जो यहाँ पर बिल्कुल मैंने वो ऊपर 2-10 साल यहाँ पर रहता है फिर ऊपर जाता है तो उनके खोखला जैसा ठगा हुआ जैसा महसूस होता है कुछ, इस प्रकार के पलायन को रोका जाना चाहिए। हम ये तभी रोका जाए समग्र रूप से, क्योंकि आज वहाँ पर जैसे केदारनाथ पर पहले क्या होता था, मैसूर की रानी यदि बदनाथ आते थे केदारनाथ होते हुए छंडी पर 6 मजदूर लगते थे और उनके जेब में पैसा जाता था, पंडा के जेब में पैसा जाता था, तो लकड़ी इकट्ठा करते थे, उनके जो चटियाँ होती थी पहले जो लोग पुराने जमाने में जाते थे, फिर इस प्रकार की एक व्यवस्था थी और पैसा बढ़ जाता था। आज तो हर यात्री दुख काशी से फाटा से हेलीकॉप्टर से जाता है, उस समय आ जाता पंडा पुरंत किसी के पास भी कोई पैसा, तो इस प्रकार का जो पर्यटन बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसके कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी जैसे ये रोपवे से सोनप्रयाग से केदारनाथ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि जो 1000 घोड़े चलते हैं वो बेरोजगार होते हैं, डंडी वाले बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये एक तरफ से लाखों लोग जाएंगे तो वो ठीक है कि साथ इस प्रकार से कुछ दबाव कम होगा, पर जो बेरोजगारी है वो बाद में पलायन तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे एक एक रूप में सोचने की आवश्यकता है सभी लोगों को बैठ कर, और जो नीति नियम वाले हैं वो तो विकास ऐसा चाहता है कि ठीक है अभी तो पूरे रोप हुए हैं चोरी सड़क है, 3 जैसे इधर से जाए 3 जैसे उधर से आए, इस प्रकार की सड़क चाहता है कम से कम, जैसे हम भी अब रोपे से पहले 10 घंटे लगते थे और 8 घंटे लगते हैं, तो उस चमकाहट वाले विकास के बारे में कई बार हम भी एक तरफ से वो हो जाते हैं, उससे खासों हम भी मोहित तो हो जाते हैं, लेकिन उसके जो दीर्घकालीन परिणाम है जो पलायन आदि बढ़ने की बात है उस पर समग्र रूप से सोचने के। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे अभी हिमाचल में आपने बेरोजगारी की बात की, हिमाचल की समृद्धि जो है, हिमाचल में जो रोजगार है, तो हिमाचल में जो एक सरकारी नौकरी आधारित या हिमालयन कैडर आधारित कह सकते हैं उसको, और बागवानी आधारित जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसको आप उत्तराखंड के लिए कितना उपयुक्त मानते हैं, कितना उपयुक्त मानते हैं? जैसे बागवानी का सवाल है तो बागवानी इत्यादि जो चीजें जैसे सिवक थोन वाली बात है तो इस प्रकार का, तो उससे काफी आमदनी और कम होना, अखरोट है कम वजन लंबे समय तक हो रह सकता है, उससे आमदनी में तो होगी बढ़ोतरी होगी, तो खेती में सुधार होगा, खेती को बार बार हल चलाने के बजाय पेड़ों की खेती होगी, तो उससे पर्यावरण भी संरक्षित है, मिट्टी भी बहुत रुकेगी, तो इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में मैंने स्थानीय लोग जो नियम निर्णय लेने वाले वो विकास वाले सभी मिलजुल करके कोई ब्लूप्रिंट तैयार करें तो कार्यान्वयन भी करें तो ये ज़्यादा अच्छा। तो हिमाचल का जो मॉडल है कुछ मॉडल तो अनुकरणीय है लेकिन कुछ मॉडल जरूरी नहीं है, कि जैसे आज पहले हमने 1977 में शराबबंदी आंदोलन चलाया 20 साल तक चलाया, आज घर घर शराब पहुँची, लोग कहते हैं कि सेब के बाद सेब ज़्यादा होंगे तो शराब बनेगी,
स्तर का सोच चल रही है, तो किस प्रकार का विकास हो ये लोगों को पूछ करके हो। हिमालय में तो महिलाएं की मुख्य दूरी कार्य कर रही है, चाहे चूल्हे का काम हो, खेती बाड़ी का काम हो, जंगल का काम हो, हाथ रखी तो गैस के काम बंद हो गई, लेकिन चारा इत्यादि का काम नहीं। इसी प्रकार जैसे अभी जंगल से संबंध तो कम हो गए, लेकिन जहाँ संबंध कम हो गए वहाँ आग चारा लग रही है, आग लग रही है तो एक प्रदूषण न केवल हिमालय में, हो सकता है कि वहाँ की जो हवा है वो दिल्ली भी पहुँच रही होगी, कोई वो नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉकहोम विश्वविद्यालय वालों हिमालय में धुए का ब्लैक कार्बन वहाँ भी पहुँच गया, ब्लैक कार्बन का पहुँचने वाला जो ग्लेशियर है। इस साल आपने पिछले मैंने पिछले दिनों सुना होगा कि तीन बार केदारनाथ के पास हिमस्खलन हुआ, तो केदारनाथ में तो आबादी थी लोगों ने देख, लेकिन हिमालय के अन्य क्षेत्रों में अन्य नदियाँ जैसे भागीरथी है, ऋषिगंगा, ये तो सीधे सीधे ग्लेशियरों से उत्पन्न थी, वहाँ हो रही होगी पूरी मानव हानि। जैसे 2007 2021 में फरवरी को इस प्रकार की हानि हो तो तब तो लोग उसको डिजास्टर होंगे, लेकिन ग्लेशियर एक सतत नीचे आ रहा है, उसका हमारे नदियों में इस प्रकार का स्थान होना चाहिए जो लोगों को और मुख्य रूप से स्थानीय लोगों को इस बारे में जागरूक करें, बताए आपके ऊपर ऐसे ऐसे। बस आपकी प्रश्न ये कि हिमालय, इस यह भी चर्चा में आया कि हिमालय उत्तर भारत के खासतौर पर मौसम को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान करता है, पानी में तो करता ही करता है, तो आज तो जल और वायु दोनों ही बहुत बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम हिमालयी प्रदेशों से ये उम्मीद करते हैं कि वो त्याग करें, वो बहुत उद्योग नहीं ले जाएं, बड़ी सड़कें नहीं ले जाएं, बड़ा निर्माण नहीं हो, ये सारे त्याग वो करें, जिसका असर वहाँ के रोजगार मतलब बेरोजगारी भी बढ़ती है और उसका असर वहाँ के समृद्धि पर भी, नए जो मॉडल है आधुनिक जो विकास का मॉडल है वो अडॉप्ट वो ना करें हिमालय प्रदेश, हम ये अपेक्षा करते हैं, तो क्या इसकी एवज में हिमालयी प्रदेशों को उन प्रदेशों से कुछ आर्थिक एक बड़ा योगदान नहीं मिलना चाहिए जिनकी समृद्धि में हिमालय का योगदान है, और वो योगदान करने की आर्थिक योगदान करने की बजाय कार्बन और रेत हिमालय में पहुंचा रहे हैं। जहां तक हिमालय वासियों की बात है, उन्होंने तो जो आप कह रहे हैं वो तो स्वीकार कर दिया है, जाने अनजाने माने सड़क बन गई तो जो परोसा जाता है उसके अनुरूप को आगे बढ़ते, लेकिन अब हिमालय में जो गड़बड़ी हो रही है, पहाड़ों में जो गड़बड़ी हो रही है उसका दुष्प्रभाव ज्यादा मैदानों पर पड़ रहा है, इसलिए आवाज हिमालय के संरक्षण संवर्धन के बारे में आवाज नीचे से भी पढ़नी चाहिए। मैंने दिल्ली को यदि आपको बाढ़ से बचाना है, मैंने नदी का तल यमुना का तल कितना उठा, आगे 10 साल में क्या स्थिति हो सकती, तो यहाँ से भी आवाज उठनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले उठाएं लेकिन नीचे वालों को भी आवाज, जो हमारे जो 9 राज्य हैं जैसे हिमालय से जुड़े हुए यहाँ से भी आवाज। नहीं भट्टी, मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि एक तरह से कि जो जो राज्यों के बजट हैं, मैदानी राज्यों के जो बजट हैं, जो हिमालय से पलते फूलते हैं उसके पानी से और मौसम, उनके बजट का एक अंश कुछ हिमालयी प्रदेशों को वापस जाना चाहिए, जिससे वहां की समृद्धि प्रकृति अनुकूल मॉडल के जरिए बनी रह सके, उसका एक आर्थिक अंशदान जाना चाहिए, वो मेरा प्रश्न था। ऐसी इसको आप क्या एक मांगे उठनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, ये तो बहुत उत्तम विचार है, लेकिन हम तो कहते हैं कि पहले जो इको डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको प्रधानमंत्री के देश हिमालय में जो कुछ अच्छे काम हो रहे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए और जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए। इको डेवलपमेंट बोर्ड जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मतलब साल भर में एक दिन चर्चा हो और फिर प्रांत प्रांत में अलग अलग उत्तराखंड में भी कि आपने क्या काम किया इस दिशा में प्रदेश का। तो मैं सोचता हूँ कि पैसा तो उतनी बड़ी पहले तो समझ की बात है,
हमारे यहाँ हमारी नदियों पर हमारे पार प्रदेशों पर उसका अंतर संबंध किस प्रकार का है, जैसे मौसम का नियंत्रण जो आपने कहा कि मिट्टी जल वनस्पति के जल के रूप में तो दिखाई जाता है, क्योंकि हमने एक बार बनारस से पैदल निकाल दी कोई बलिया छपरा होते हुए पता था पैदल यात्रा की थी 10-12 लोग थे, उसमें समझने का प्रयास किया कि हमारे की नदियाँ मैदानों में किस प्रकार की, जैसे बरसात के मौसम में बाढ़ आती है और लोग पेड़ों में तक चढ़ जाते हैं जब बाढ़ आती है 10 फिट 5 फिट 6 फिट, तो उसको समझने का प्रयास किया। तो ये प्रयास कई जगह तो लोग कहते हैं रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मिट्टी आ रही है उनकी खेती में, जैसे बलिया में कई लोग उपजाऊपन यदि बाढ़ नहीं आएगी तो उस प्रकार का। तो ये जो स्थायित्व के बारे में ये कब तक चलेगा ये जनजागरण जन क्षेत्र की भी आवश्यकता, जहाँ तक राज्यों के योगदान की बात है वो तो है ही, उसको योगदान राज्य के बजाय राज्यों तो वहीं के लोग झगड़ेंगे आपस में कि क्यों दें हम उत्तराखंड के लिए, क्यों दें हम बिहार के लिए, नेपाल के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो सवाल यह है कि माता को समझना चाहिए स्वयं, जिससे हिमालय में स्थिरता रहे, माने उसको हम रोक तो नहीं सकते, माने डिजास्टर को रोक तो नहीं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। तो उस बारे में केंद्र सरकार को ही सोचना चाहिए, साल 6 महीने साल भर में भ्रष्टाचार से जी। धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम जो हमारी जो PCI कन्वर्टेशन हुआ उसको के समापन का पे हम करीब हैं, और इससे पहले कि कार्यक्रम समापन हो और हम लोग सब लोग बाहर जलपान ग्रहण करें, मैं आप सब लोगों का जो यहाँ आए और इस बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा संवेदनशील इस प्रोग्राम को आप लोगों ने इसका आनंद लिया, इसे कुछ समझने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए सांस लाइफ लाइन जो होती है हमारी सांस होती है, उसी तरह लाइफ लाइन ये मुद्दे भी हैं, क्योंकि चंद्र प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि वो 10-15-20 साल पहले 5 साल पहले 2 साल पहले भविष्यवाणी करते हैं और वही होता है। मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2009 का, और 2009 का आर्टिकल कम से कम देखिए, और वो ऐसा लग रहा है कि आज के हालात को हो चुका है कल परसों 1 महीने पहले उस पर हुआ, तो वो चिंताएं हो रहे 10 साल चिंताएं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो नई जनरेशन है पत्रकारों की, जो मीडिया में जो काम कर रहे हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, उन सब लोगों को सवालों पर कहीं ना कहीं चिंता करनी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो जनरेशन है उसको ज़्यादा नॉलेज ज्ञान इन चीज़ों का नहीं है, और ये जो नॉलेज जो ज्ञान है अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे या इसको कमजोर करेंगे इस ज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाने में, तो हमें इसके नतीजे भुगतने होंगे। मैं आप सब लोगों का और सबसे ज़्यादा तो चंद्र प्रसाद जी का कि जो गोपेश्वर आए हैं स्पेशल आप लोगों से मिलने के लिए, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतनी कठिनाई में उन लोग यहाँ एक वादा निभाने के लिए प्रश्न से आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि जब जब हमको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपके विचारों को सुनने के लिए और लोगों को लाभान्वित करने के लिए, चेतना जगाने के लिए, संवेदना जगाने के लिए, और यहाँ तक कि योजनाकारों सरकार को जगाने के लिए, हम आपको तकलीफ देते रहेंगे और हमें चाहेंगे कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ताकि लंबे समय तक प्रेस क्लब के PCI कन्वर्टेशन में आपका आगमन होता रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी अपना धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, तो उन्होंने कहते हैं कि आपने कर दिया। मैं आप सब लोगों का और जिन्होंने प्रश्न पूछे और इस चर्चा को एकदम जीवंत बनाया, आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। भट्ट जी के पुत्र ओम प्रकाश भट्ट वो बड़े सक्रिय पत्रकार हैं, गोपेश्वर में इंडिया टुडे के लिए भी काम करते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि पिताजी को लाने की जिम्मेदारी मैंने उनको दी थी। मैंने कहा उनको वो कहने नहीं आ सकते आज, तो वो भी वहाँ था उनको लेके आए, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका पोता गौरव है, गौरव को मैंने ड्यूटी लगाई कि भैया जो टेक्निकल चीज़ है ये
ये जिनेवा में काम करते हैं, वो यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने भी ये आप लोगों को दिखाने में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जनपाल पार्क तैयार है आपके, बहुत धन्यवाद।